राजगढ़ जिले में इन दिनों पीडीएस के चावल की कालाबाजारी करने की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन को मिल रही हैं। वहीं हाल ही में पीडीएस चावल की कालाबाजारी मनोहर थाना राजस्थान में करने की शिकायत पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान चावल का अवैध परिवहन करते हुए 3 गाड़ियों को धर दबोचा। साथ ही अपर कलेक्टर कमल चंद्र नागर ने जानकारी देते हुए कहा कि गरीबों के राशन पर अवैध चावल माफियाओं की नजर लगी हुई है। आपको बता दें पूरा मनोहर थाना राजस्थान का है, जहां कलमा ट्रेडर्स मंडी प्रांगण मनोहर थाना के प्रोफेसर मुकेश साहू और संजय साहू के गोदाम में लगभग 1000 कट्टे पाए गए, जिनमें से कई कट्टे पीपी के हैं। एक कट्टे में लगभग 40 से 50 किलोग्राम चावल मिले। साथ ही यह भी पाया गया कि उक्त बोरियों में कई बोरी ऐसी हैं जिनमें मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। दूसरा मामला माचलपुर शहर का है, जहां अवैध रूप से चावल माफिया पीडीएस के चावल का परिवहन कर रहे थे। इस दौरान जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान गाड़ी में पीडीएस के 30 क्विंटल चावल भी बरामद किए। वहीं कालाबाजारी का तीसरा मामला खिलचीपुर शहर का है। मुखबिर की सूचना पर एक मिनी ट्रक को चावल का परिवहन करते हुए धर दबोचा, जहां प्रशासन ने चावल सहित आरोपी को खिलचीपुर थाने को सुपुर्द किया। चावल अब तक जब्त किया जा चुका है। जैसा कि आपको विदिती है कि जिला राजगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल मुहैया कराया जाता है, और विगत कई दिनों से शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो हमारे निकटवर्ती राज्य हैं और जिले हैं, वहाँ पर चावलों की अवैध सप्लाई हो रही है।